नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारतवर्ष। खबर इस समय कानपुर से आ रही है। बताते चले, कानपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आ रही है सामने। काशीराम अस्पताल के जो गैर जनपद लिपिक है, वह अपने हक हनक के दम पर आज भी काशीराम अस्पताल के सरकारी आवास पर अपना कब्जा बनाकर रखे हुए हैं। उसी जगह जो ट्रांसफर होने के बाद गैर जनपद से आए हुए लिपिक किराए के मकान में रहने पर मजबूर है, जिसमें महिला लिपिक भी मौजूद है। जो गैर जनपद लिपिक है, वह अपनी परेशानी सीएमओ कानपुर से भी लिखित में शिकायत की, परंतु सीएमओ साहब ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। आखिर में गैर जनपद लिपिकों को उनको आवास सीएमओ साहब क्यों मुहैया नहीं करवा पा रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। क्या सरकारी आवास का पैसा सीएमओ साहब के पास जा रहा है? क्योंकि एक साल से शिकायत पत्र लिपिकों द्वारा दिया गया, पर सीएमओ साहब ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखे खबर। मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ और काशीराम में हूँ, और मुझे आवास नहीं मिल पा रहा है। मैं काफी दिनों से परेशान हूँ। 5-6 महीने से मैंने एप्लीकेशन भी 2 बार दे चुकी हूँ और अभी तक मुझे आवास नहीं मिला। किसी को आप लिख कर दिया अपने उच्च अधिकारी? हाँ, मैंने दिया। क्या उसमें अभी तक उसमें क्या आपको रिप्लाई मिला? अभी कुछ पता नहीं चला है। उनका कि उसमें चल रही है कार्रवाई और देंगे। से क्या कारण, क्या जो अभी जो अभी रह रहे हैं पहले से, वो खाली करने का आदेश भी आ गया, कारण क्या? कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो गया, अभी तक खाली नहीं किया उन लोगों ने। क्या लगता है किसकी कमी, विभाग कमी है कि क्या लगता है? अब वो सर मैं नहीं बता सकती किसकी कमी है। उससे तो ये कहा गया कि आपको मिल जाएगा बस। अच्छा, आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, महिला के तो कितनी समस्या आपको उठानी पड़ रही समय जो आवास नहीं मिला? आवास के ना रहने के कारण परेशानी तो है ही। अब कहीं पे जाओ, किराए पे कमरे लेके रहो जाके, अब दिक्कत परेशानी के कारण ही तो कमरा इलाज करवा रहे कि यहाँ पे कमरा हो जाए, तो अपने टाइम से ड्यूटी करो अपने टाइम से। अभी आप कहाँ रहती हैं? मैं अभी मेरे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर। क्या लगता है किसकी दिक्कत, किसकी जरा जिम्मेदारी का इतना काम कर रहा है, किसकी समस्या आ रही है? ये समस्या ये है कि अभी तक आवास शायद किस स्तर से लाट नहीं किया गया, मुँह को ये पता नहीं भाई, उसके लिए बड़े अधिकारी हमें नहीं। सीओ साहब को लिख के दिया आपने? सीओ साहब हमने लिख के दिए, माए हम उसके बाद उन्होंने लिख के दिए, हमको लगता है 7-10 दिन बाद दे दिए थे। तो किसकी कमी आ रही है, क्या लगता है किसकी कमी मानते हैं आप? कमी में भाई उच्च अधिकारी हमारे को क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे निर्देशक प्रशासन जब इतनी दूर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए कि हम लोगों को आवास की सुविधा नहीं है, हमारी समस्याओं को भी देखना चाहिए। तो ये कहेंगे कि निर्देशक प्रशासन महोदय ना, हम लोगों को ट्रांसफर करने से पहले हम लोगों के कम से कम रहने और बच्चों के रहने पढ़ने लिखने की सब व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं है, हम लोग रहने इधर उधर भटकते रहते हैं। और भी कितने लोग हैं आपके जैसे? हमारे जैसे बहुत लोग आए, हमको लगता है इस बार भी करते हैं कानपुर नगर में 12-13 लोग आए हुए हैं। क्या सबको ये समस्या दिक्कतें आ रही हैं? सबको ये समस्या है, किसी को कोई मकान आवास आवंटित नहीं है।